हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है इरशाद, आप देख रहे हैं डॉक्टर लाइन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ राउंड डक्टिंग का जो टेपर होता है या रिड्यूसर बोलते, जो वो जिस तरह लिखा हुआ रहेगा। तो 100 mm मेरा ऊपर का साइज है और नीचे का साइज 60 mm, और ये 60 mm लेंथ है, 60 mm मेरा। तो इसका मैं पूरा डायग्राम के साथ आपको बना के दिखा देता हूँ। तो मैंने ये एक लाइन मार रखा है, आप भी मार लेना, मुश्किल नहीं है। और इसको करना क्या है, सबसे पहले मेरा हाइट है 60 mm, तो मैं इधर 60 mm का मार्किंग कर लेता हूँ। ये मेरा 60 का मार्किंग हो गया है, और एक कर लेता हूँ राइट एंगल मारने के लिए। तो ये 60 का इधर नीचे वाला मैंने मार लिया, और 100 का ऊपर ले लेता हूँ मैं। तो ये मेरा 100 का इधर 50 आएगा और इधर 50 आएगा। तो ये देख सकते हो आप, ये हो गया मेरा एक मार्किंग, ये हो गया, और ये इसके टोटल हो गया, मतलब ये लाइन 100 का लाइन हो गया ये। और ये लाइन को अभी मैं पूरी मार के दिखा देता हूँ। और ये एक लाइन हो गया मेरा इस तरह। और इसको करना क्या है, अभी इधर नीचे का साइज मारना है, वो जो 60 है तो उसका 30-30 आएगा दोनों साइड, 30-30 mm। तो ये मैं mm में बना रहा हूँ। तो ये हो गया इधर 30 mm, ये हो गया एक पॉइंट, और ये एक पॉइंट है। अब आपको करना क्या है, बस कुछ नहीं, ये लाइन को आपको, ये पॉइंट को ये पॉइंट से क्रॉस करना है। देख लो, मैं कर देता हूँ, ये इस तरह क्रॉस हो गया, और ये वाली लाइन को भी वापस इसी तरह क्रॉस करना है। ये लाइन इधर जहां पे भी क्रॉस हो जाए वो मुश्किल नहीं है, सिर्फ क्रॉस होना चाहिए बस। तो अभी मैं आपको इसका ये दिखा देता हूँ किस तरह ये बनाया जाता है। तो आपको करना क्या है, ये पॉइंट को आपको लेना है, मेन ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट के ऊपर रख करके आपको एक कंपास बनाना है नीचे के लिए। इधर से मैंने बनाया है, सेंटर में नहीं रखना है, इसके ऊपर रखोगे तभी आपका साइज बराबर आएगा। तो ये मैंने रख दिया, जो कि कुछ इस तरह घूमने वाला है, कट रहा लाइन। तो अभी करना क्या है, मैं आपको इसका पूरा मार्किंग करके दिखा देता हूँ। ये एक शीट है मेरे पास, तो मैं इसका एक लाइन ऐसा ही खींच लेता हूँ कहीं से भी, आप भी खींच लेना शीट के ऊपर, और इसको मैं ऐसा ही बस पॉइंट दे देता हूँ। अब आपको करना क्या है, ये मैंने नीचे वाला लिया है, तो नीचे वाला पॉइंट को आपको यहाँ पे रखना है, और इसके ऊपर रख के इस तरह घुमाना है इसको। ये लाइन घूम गया, अभी मैंने ये वाला पॉइंट कंपास मारा था, लिया था। अब मुझे लेना है ये ऊपर वाला, क्योंकि वो जो बड़ा है उधर दिख रहा है लंबा पॉइंट, उसको लेना है। तो उसके लिए मेरे पास अभी उसको लेना है, तो ये मैं उसको ले लेता हूँ। ये मैंने ये पॉइंट ले लिया है, और अब मैं आपको मार के दिखा देता हूँ ऊपर वाला पॉइंट, तो किस तरह ये बनता है। ये लाइन इस तरह घूम जाएगा, तो ये लाइन घूम गया इधर। अब करना क्या है, आपको मेन चीज अब करना है, आपको करना क्या है, 100 mm जो है मेरा 100 mm, उसको गुना करना है 3.14 से, जो कि बराबर होने के बाद 314 आता है। और ये 314 को जब आप डिवाइड करोगे, आपके ऊपर आप जितना पार्ट में डिवाइड कर लो, मैं इसको 12 पार्ट में ले रहा हूँ, 12 पार्ट में डिवाइड करूंगा तो ये टोटल आ जाएगा इधर मेरा 26 mm। ये ऊपर का काम हो गया, अब बचा नीचे का 60 mm है। आप इसको जब 60 mm गुना 3.14 से करोगे, तो ये बराबर होता है 188 या 889 के पास होता है। जब इसको आप डिवाइड करोगे 12 में, मैंने ऊपर वाले को 12 में ही किया था, तो ये आएगा टोटल 15 mm। तो अब आपको करना क्या है, कंपास बना लेना है 26, पहले 26 mm कंपास बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने ऊपर वाले के लिए लिया था। तो वो मार के अभी दिखा देता हूँ, मैं 12 पार्ट में डिवाइड किया था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये मेरा पॉइंट आ चुका है, आप देख सकते हो। वापिस आपको इसके ऊपर रख करके सेम उधर से
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो ये मेरा एक पॉइंट छः नंबर आया इधर, और एक छः इधर आया मेरा ये वाला। अब आपको करना क्या है, ये जो मैंने ये पॉइंट के ऊपर से रख के वो लाइन खींची था, तो उसके ऊपर आपको यहाँ पे राइट एंगल रखना है, और इसको इस तरह आप जब क्रॉस करोगे यहाँ से, तो उधर नहीं मारा तो भी चलेगा, इधर आप मार लिए सिर्फ, और फिर उसी तरह यहाँ पे रख के वो पॉइंट के ऊपर इस तरह जब आप क्रॉस करोगे तो ये उतर जाएगा। तो आपको ये लाइन मारने से ये फ़ायदा होगा कि आप जो ये 15 का कंपास मारोगे, जिस तरह मैंने इधर 26 का मारा है, उसी तरह 15 का भी आपको यहाँ पे ऐसा ऐसा मारना पड़ता था, जो कि वो नहीं मारना पड़ा है, वो ऑटोमेटिक बराबर आ गया। तो मैं इसको अभी काट के दिखा देता हूँ आपको पूरा, क्योंकि ये बन चुका है कोन, मैंने डाया जो लिया था 60 mm नीचे का, ये इधर का 60 आएगा, इधर का 100 आएगा, और ये लेंथ आएगा। तो इसको मैं अभी काट के दिखाता हूँ आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो ये इस तरह कटिंग हो जाएगा, अभी दिखा देता हूँ मैं आपको ये लाइन कट होने के बाद। तो मेरा ये पीस करके रेडी हो चुका है। अब ये मैंने सेंटर में बनाया था, जो कुछ इस तरह बनने वाला है, तो मैं इसको अब ये देख सकते हो आप, इसी तरह बन के ये रेडी होने वाला है। तो आप लोग देख सकते हो फाइनली ये पीस बन के इस तरह का तैयार हो गया है, रेडी हो चुका है। और ये मेरा आया है 100 mm, ये देख सकते हो आप इधर, और इधर नीचे आया है मेरा 60 mm, ये देख सकते हो आप, ये भी 60 आया, और ये मेरा हाइट है 60 mm, ये भी एकदम 00 आया इधर दिख रहा है। तो इस तरह का वीडियो बन के रेडी हो गया है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा जवाब देने के पूरा का पूरा। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। ये रेडूसर है मैं, चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, कुछ नया लेके आऊँगा फिर अगले वीडियो में। इस ये राउंड अपिंग का टेपर हो गया है, इसमें बहुत सारा है, एल्बो रहता है, ऑफसेट रहता है, राउंड टी स्क्वायर रहता है, तो वो सब मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूँ, बाकी वीडियो में बना चुका हूँ। तो ये आज मैंने रेडूसर ले लिया है ऑलरेडी, तो ये रेडूसर मेरा फाइनल हो गया है। 100 mm डाया, 60 mm डाया, और ये लेंथ है मेरा 60 mm। तो आपको जो भी डाउट है प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।